भारत के इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब मराठा साम्राज्य बुलंदियों पर था। लगभग पूरे भारत पर राज करने वाले मराठा साम्राज्य को उस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत से योद्धाओं ने कुर्बानियां दी, लेकिन मराठा एम्पायर की नींव रखी थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने। इसीलिए आप कह सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज से पहले मराठा साम्राज्य का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन कैसे शिवाजी महाराज ने इसकी नींव रखी, कैसे उस समय के हठी बादशाह औरंगजेब को परेशान करके रखा, और कैसे दक्कन में कभी भी मुगलों के पांव नहीं लगने दिए, आइए जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की इस शौर्य गाथा के माध्यम से। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था। हालांकि उनके जन्मदिन की तारीख को लेकर भी काफ़ी मतभेद है। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। ये वो समय था जब हिंदुस्तान की धरती पर मुस्लिम शासकों का राज था। अगर बात करें उत्तर भारत की तो यहाँ मुगलों का शासन था, और दक्षिण में बीजापुर और गोलकोंडा पर भी अलग अलग मुस्लिम शासक राज कर रहे थे। शिवाजी के पिताजी बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की सेना की एक टुकड़ी के सेनापति थे। क्योंकि पिता सेना के संभाल के कार्यों की वजह से घर से बाहर रहते थे, इसीलिए शिवाजी का ज़्यादातर समय अपनी माता के साथ ही बीतता था। उनके विचारों पर उनकी माता जीजाबाई का गहरा प्रभाव था। उन्होंने शिवाजी महाराज को रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाई, जिनसे उनका चरित्र निर्माण हुआ। शिवाजी के पिताजी ने उन्हें युद्ध कौशल और राजनीति सिखाने की जिम्मेदारी दादोजी कोंडदेव को दी हुई थी। दादोजी कोंडदेव ने उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में निपुण बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बचपन से ही शिवाजी मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को देख रहे थे। वो पहले ऐसे इंसान थे जिनके मन में हिंदू राज स्थापित करने की भावना जन्म ले चुकी थी। इसीलिए उन्होंने सोच लिया था कि वो इस भेदभाव को ख़त्म करेंगे। 16 वर्ष की छोटी सी आयु में उन्होंने अपनी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी बनाई, और जिस आदिल शाह की सेना को उनके पिता संभाल रहे थे, उसी आदिल शाह से उसके क्षेत्रों को छीनना शुरू कर दिया। शिवाजी महाराज ने तोरणा किला, कोंढाना किला और फिर राजगढ़ किले को भी अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद तो शिवाजी महाराज ने एक के बाद एक किलों को छीनना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे भिवंडी, चक्कन और कल्याण किलों को भी छीन लिया। शिवाजी महाराज जिस तेजी से लगातार जीतते जा रहे थे, उससे आदिल शाह बुरी तरह घबरा गया। उसने शिवाजी महाराज को रोकने के लिए उनके पिता शाहजी भोंसले को बंधक बना लिया, जिसके बाद कुछ समय तक शिवाजी महाराज ने अपने युद्ध अभियानों को रोक दिया। पर इसी दौरान उन्होंने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए काम करना जारी रखा। उन्होंने अपनी छोटी सी सेना का विस्तार करना शुरू कर दिया। घुड़सवारों की सेना और पैदल सेना की अलग अलग टुकड़ियाँ बनाई, और उनकी कमान नेताजी पालकर और यशजी कलक जैसे योद्धाओं के हाथों में दी। पिता शाहजी को बचाने के लिए शिवाजी ने कोंढाना के किले को भी आदिल शाह को वापस लौटा दिया। ये वही कोंढाना का किला है जिसे वापस पाने के लिए तान्हाजी ने लड़ाई लड़ी थी, और जिसकी कहानी को तान्हाजी फिल्म के माध्यम से भी दिखाया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़ी ऐसी बहुत सी छोटी छोटी कहानियाँ अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप कुकू FM ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। कुकू FM ऐप पर शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य की ऑडियो बुक्स हिंदी भाषा में आपको मिल जाएंगी, जिन्हें आप बिना बोर हुए सुन सकते हैं। शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित ये ऑडियो बुक आपको शिवाजी महाराज के जीवन के बारे में पूरी जानकारी देगी। साथ ही अजब गजब एक्स के यूज़र के लिए 50% का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा अगर आप AGF50 कोड का इस्तेमाल करते हैं। यानी 399 रुपये सालाना की बजाय इस कोड का इस्तेमाल करके आप सिर्फ 199 रुपये में अपने ज्ञान को एक साल तक बढ़ा सकते हैं, और ये ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है, इसीलिए आप जल्दी से इसका लाभ उठाएं। कोड और ऐप की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आदिल शाह की कैद से छूटने के बाद शिवाजी महाराज के पिता बीमार रहने लगे, और थोड़े समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद शिवाजी महाराज ने अपने अभियान को फिर से तेज कर दिया, और चक्कन, नीरा, पुरंदर और जावेली की हवेली पर भी मराठाओं का परचम लहरा दिया। अफजल खान से मुकाबला। शिवाजी महाराज के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर आदिल शाह बहुत परेशान था, और किसी भी तरह से शिवाजी महाराज को रास्ते से हटाना चाहता था। आदिल शाह ने अपने सेनापति अफजल खान को 20,000 सैनिकों के साथ शिवाजी को ख़त्म करने के लिए भेजा। अफजल खान कद काठी और सैन्य ताकत के मामले में शिवाजी से बहुत शक्तिशाली था।
साथ ही वह बहुत ही क्रूर और निर्दयी भी था। जब अफजल खान ने हमले करने शुरू किए तो शिवाजी महाराज ने इस तरह से बर्ताव किया जैसे वो उससे डर गए हैं और वो अपनी सेना के साथ पहाड़ों में छुप गए। अफजल खान ने संदेश भिजवाकर शिवाजी महाराज को मिलने के लिए बुलवाया। शिवाजी महाराज भी उनसे मिलने को तैयार हो गए। दोनों एक शिविर में मिले जहां अफजल खान ने शिवाजी महाराज को मारने की कोशिश की तो शिवाजी महाराज ने बाघ के नाखून से बने हथियार बगनखा से अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया। अफजल खान को मारने के बाद शिवाजी महाराज का कद तेजी से बढ़ा और अब वो दक्कन में एक बड़ी शक्ति बन चुके थे। अफजल खान की मृत्यु के बाद आदिल शाह ने एक बार फिर से रुस्तम जहां के नेतृत्व में शिवाजी महाराज को मारने के लिए सेना भेजी, लेकिन इस बार भी कोल्हापुर में हुई लड़ाई में उसे हार का मुंह देखना पड़ा। शिवाजी महाराज से बार बार हारने के बाद जब आदिल शाह के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने मुगल बादशाह औरंगजेब से मदद मांगी। सहिस्ता खान से मुकाबला। शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत को देखकर औरंगजेब भी चिंतित था। उसने शिवाजी को हराने के लिए अपने मामा सहिस्ता खान के नेतृत्व में 1.5 लाख सैनिकों को दक्कन भेज दिया। सहिस्ता खान के पास एक बड़ी सेना थी और वो लगातार जीतता हुआ आगे बढ़ रहा था। सहिस्ता खान ने पुणे पर भी अधिकार कर लिया और शिवाजी महाराज के लाल महल को भी अपने कब्जे में ले लिया। शिवाजी जानते थे कि सहिस्ता खान की इतनी बड़ी सेना के सामने वो आर पार की जंग नहीं लड़ सकते, इसीलिए उन्होंने छापामार नीति अपनाते हुए 400 सैनिकों के साथ बारातियों के भेस में सहिस्ता खान के महल पर हमला कर दिया। इस हमले में सहिस्ता खान बच निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन भागते भागते उसकी 3 उंगलियां कट गई। इसी हमले में सहिस्ता खान का बेटा भी मारा गया। इसके बाद सहिस्ता खान दक्कन से वापस भाग गया और औरंगजेब ने उसे बंगाल का सूबेदार बना दिया। सूरत पर हमला। 3 साल तक सहिस्ता खान ने मराठाओं को भारी नुकसान पहुंचाया था, जिसका बदला लेना और मुगलों को लूटकर उस नुकसान की भरपाई करना जरूरी था। क्योंकि सूरत मुगल साम्राज्य का अति धनी शहर था और इसी जगह पर ब्रिटिश, फ्रेंच और डचेस ने अपनी फैक्ट्रीज लगा रखी थी। शिवाजी महाराज ने सूरत शहर पर आक्रमण करके वहां जमकर लूट मचाई और अपने नुकसान की भरपाई की। सूरत का ये हमला मुगल बादशाह औरंगजेब के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। नेवी और सी फोर्ट्स का निर्माण। उधर शिवाजी महाराज ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए नेवी की स्थापना की और सी फोर्ट्स का निर्माण भी शुरू कर दिया। शिवाजी महाराज को भारत में फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। सी फोर्ट्स के जरिए नेवी को अतिरिक्त सुरक्षा दी जा सकती थी, साथ ही जंजीरा किले के सिद्दी और पुर्तगालियों की नेवी से भी मुकाबला किया जा सकता था। इसी कड़ी में शिवाजी महाराज ने सुवर्ण दुर्ग, सिंधु दुर्ग और पदम दुर्ग किले का निर्माण करवाया और विजय दुर्ग को भी और मजबूत बनाने का काम किया। मुगलों के साथ पुरंदर की संधि। सूरत पर हुए हमले के बाद औरंगजेब किसी भी कीमत पर शिवाजी महाराज को अपने कंट्रोल में करना चाहता था, साथ ही वो अपनी रियासत में हुई लूट का बदला भी लेना चाहता था। इसीलिए उसने राजा जयसिंह को शिवाजी महाराज के खिलाफ युद्ध करने के लिए भेजा। जयसिंह के खिलाफ शिवाजी महाराज का भयंकर युद्ध हुआ और उन्हें कई जगह पर हार का मुंह देखना पड़ा। ज़्यादा नुकसान से बचने के लिए शिवाजी महाराज को जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उन्हें जीते हुए किले मुगलों को वापस देने पड़े। साथ ही जयसिंह ने शिवाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार में आने के लिए भी राजी कर लिया। औरंगजेब की कैद। शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी आगरा में औरंगजेब के दरबार में पहुंचे, जहां औरंगजेब ने शिवाजी महाराज का अपमान किया। जब शिवाजी ने इसका विरोध किया तो उसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी और उनके पुत्र को बंदी बना लिया। कुछ दिन कैद में रहने के बाद एक दिन अचानक वो बीमार होने का नाटक करने लगे और फल और मिठाइयाँ बांटने की इच्छा जताई। उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें फल मिठाइयाँ बांटने की अनुमति दे दी गई, लेकिन एक दिन शिवाजी महाराज और उनके पुत्र दोनों ही एक टोकरी में बैठकर वहां से फरार हो गए। शिवाजी महाराज 99 दिनों तक औरंगजेब की कैद में रहे। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। दक्कन के क्षेत्र में अभी तक मुस्लिम शासकों का अधिकार था, लेकिन शिवाजी के उदय के बाद से हिंदुओं का प्रभाव भी बढ़ने लगा था। अब जरूरत थी एक हिंदू राजा की जो हिंदुओं को संगठित कर सके और उन्हें गाइड कर सके। पूना और कोंकण में बहुत सारे क्षेत्रों को जीतने के बाद शिवाजी ने अपने और आगे आने वाले अपने वंशजों के लिए छत्रपति के टाइटल को अपनाया। 50,000 लोगों के सामने 6 जून 1674 को रायगढ़ में
शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि देकर उनका राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी महाराज ने दक्कन में बड़े ही अग्रेसिव तरीके से अपना विस्तार करना शुरू किया और बीजापुर, खानदेश, कोल्हापुर, जंजीरा और रामनगर पर अधिकार कर लिया। उनका मकसद एक छत्र हिंदू राष्ट्र का निर्माण था और वो सभी हिंदू राज्यों को विश्वास दिला रहे थे कि उन्हें मुगलों और दूसरे मुस्लिम राजाओं से सुरक्षा दी जाएगी। मराठा साम्राज्य का संचालन। किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है और शिवाजी महाराज ने उसी तरह के सिस्टम का निर्माण किया। उन्होंने राज्य के संचालन के लिए 8 मंत्रियों का पद बनाया और उन्हें अपनी नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी दी। इन 8 मंत्रियों के पदों के नाम थे पेशवा, मजूमदार, पंडितराव, दबीर, सेनापति, न्यायाधीश, मंत्री और सचिव। राजकाज के कार्यों को चलाने के लिए शिवाजी महाराज ने 2 तरह के टैक्स लगाए जिनके नाम थे चौथ और सरदेशमुखी। इस तरह शिवाजी महाराज ने शासन को चलाने के नियमों के साथ साथ बहुत से सुधार भी किए। 52 साल की उम्र में 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में बीमारी की वजह से शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई और उनके बाद मराठा साम्राज्य की कमान संभाली उनके पुत्र संभाजी ने। तो दोस्तों, ये थी शिवाजी महाराज की पूरी कहानी। हमारे चैनल पर आप बहुत से ऐसे वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।